नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोडियम परबोरेट कैसे बनाया जाता है। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बांग्लादेश से कॉल किया था और उनका कहना यह था कि उनके यहाँ पे सोडियम परबोरेट मार्केट में मिलता नहीं है, तो अगर इसका कुछ बनाने का प्रोसीजर हो सकता है तो आप बताइए। और भी बहुत से ऐसे विस्तार होंगे जहाँ पे शायद ये प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। पहले सोडियम परबोरेट के बारे में बात की जाए तो ये एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट भी होता है जिसका डिटर्जेंट में उपयोग होता है, लेकिन सोडियम हाइपोक्लोराइड के मुकाबले ये कम पावर वाला होता है, जिससे कि इसका उपयोग करने पे आपके प्रोडक्ट में ब्लीचिंग की पावर बन जाएगी। जो कुछ ऐसे दाग होते हैं, जैसे ब्लीचिंग की अगर बात की जाए, वो सफाई करने का काम करता है, सर्फेक्टेंट का काम करता है, तो कुछ दाग निकालने की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ होता ये है कि अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हो एज़ पर ब्लीचिंग एजेंट, तो आपके कपड़ों में से वो रंग को भी निकाल देता है, वो उतना पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जाए जो कलर को प्रोटेक्ट रखे, केवल उसमें लगे हुए दाग को निकाल दे, तो उसके लिए सोडियम परबोरेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम पर कार्बोनेट का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पे बात करनी है कि सोडियम परबोरेट बनाया कैसे जाता है। एक छोटी सी सिंपल प्रोसीजर मैं बताना चाहूँगा। अगर वैसे तो सोडियम परबोरेट मार्केट में पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप खुद से इसको बनाते हो तो आप लिक्विड फॉर्म में भी इसको इजीली बना सकते हो, जिसके बाद आप डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट में जो भी डिटर्जेंट लिक्विड वगैरह आप बना रहे हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बता देना चाहूँगा। अभी छोटा सा एग्जाम्पल किया हुआ है, टेस्टिंग की हुई है मैंने। ये थोड़ा पानी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन पानी नहीं है। इसमें मैंने प्रोसीजर की हुई है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट है हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बॉर्डर पे थोड़ा पाउडर लगा हुआ है। किस तरीके से इसकी प्रोसीजर है, तो इसको बनाने की सिंपल मेथड है, कोई भी इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं है, इजीली प्रोसेस है इसकी। आप इसको डायरेक्ट आपके डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड वगैरह में आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो और ये पावर को बढ़ा देगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, दो ही इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट्स अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, अगर नहीं मिल रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो इंग्रेडिएंट्स से आप इसका काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ इसमें यूज़ होगी वो है बोरिक एसिड, ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा कॉस्टिक सोडा, ये हमारा कॉस्टिक सोडा है। ये दो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करने हैं। दोनों की मेज़रमेंट मैं बता देता हूँ। आपको बोरिक एसिड 5 ग्राम लेना है, छोटा सा पहले सैंपल टेस्टिंग करो, 5 या 10 ग्राम आपको बोरिक एसिड लेना है। और उसके अंदर अगर आप 5 ग्राम बोरिक एसिड लेते हो तो आपको केवल 1 ग्राम कॉस्टिक सोडा का उपयोग करना है। अगर आप 10 ग्राम बोरिक एसिड लेते हो तो आपको 2 ग्राम कॉस्टिक सोडा का यूज़ करना है। मतलब जितना आप बोरिक एसिड लोगे उसका 20% आपको कॉस्टिक सोडा लेना है। ये आपका बन जाएगा सोडियम परबोरेट। अब इसमें यूज़ करना है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा करीब करीब आपको जितना आपका कॉस्टिक सोडा होगा उतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो पीछे से फिर जब आप उसको यूज़ करोगे तब आपको दूसरे घटक का भी उपयोग करना पड़ेगा जो आपके सोडियम परबोरेट में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग कर दे। वो घटक कौन सा होगा मैं इसके आने वाली वीडियो में भी मैं बताऊँगा। अगर आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती है, अपनी इच्छा अनुसार लोग इसकी प्लस माइनस रखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसीजर थी, अगर आप सोडियम परबोरेट खुद से बनाना चाहो तो किस तरीके से आप बना सकते हो। वैसे मार्केट में ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन आप इसको लिक्विड फॉर्म में पहले ही बना के आप सीधा प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप मेरी वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, पूरी प्रोसीजर को अच्छे से सीखना है, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।